1999 में अटल जी की सरकार थी और अविश्वास प्रस्ताव आया मान्यवर, ये जो कांग्रेस ने किया वो हम कर सकते थे क्योंकि 93 में नरसिम्हा राव जी ने देश के सार्वजनिक जीवन को एक एग्जाम्पल पूरा कर दिया था कि सरकार ऐसे भी बचाई जा सकती है, करोड़ों रुपया देकर भी बचाई जा सकती है, हम भी कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया मान्यवर, हमने नहीं किया। हमने हमारी बात रखी देश के प्रधानमंत्री अटल जी ने इसी सीट पर बैठकर अपनी बात रखी संसदों के सामने और जो कहा कि संसद का जो फैसला है मैं सर पर चढ़ाऊंगा, हमें कोई आपत्ति। मान्यवर सिर्फ एक वोट से सरकार गई, सिर्फ एक वोट से। क्या हम यूपीए और कांग्रेस की तरह बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे, मगर मैंने कहा ना कि कई बार संकट के समय गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चरित्र सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र है। माननीय उस वक्त मुझे ठीक याद है, मैं संसद में नहीं था, सदस्य नहीं था, बहुत सारे सीनियर सदस्य होंगे उस वक्त। मान्यवर एक ही वोट का फर्क था और अंत में गिरधर गोमांग के वोट को हमारे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री से शपथ ले चुके थे और वोट डालने आए थे, वो वोट को वैलिड गिनना या न गिनना, मगर मान्यवर आप जिस आसन पर बैठे हो इसकी भी गरिमा का एनडीए ने पालन किया था। हमने कोई दबाव नहीं बनाया, एक वोट हमारे विरुद्ध में गया, हमारी सरकार चली गई, मगर आज मैं फिर से कहना चाहता हूं गौरव गोगोई जी को, मगर जनता है जो सब देखती है, जनता है जो सब जानती है। एक वोट से हमारी सरकार गई, एक वोट से हमारी सरकार जरूर गई, परंतु अंत में क्या हुआ, बहुत बड़े बहुमत के साथ अटल जी फिर से देश के प्रधानमंत्री।